हेलो भाई, वेलकम टू द वीडियो। भाई आज अपने पास खड़ी है अपनी किया सोनेट 2020। भाई 2021 में भी यही मॉडल चल रहा है। तो भाई आज बात करेंगे इसी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में कि अगर 12 लाख रुपए किसी के पास हैं तो भाई वो किया सोनेट क्यों ले। और मैंने जो अपनी पिछली इसकी वीडियो बनाई थी नेगेटिव पॉइंट की, तो उसमें भाई का एक कमेंट आया था कि या जब इतनी कमियाँ हैं तो भाई सोनेट क्यों ली। तो मैं अभी बने रहो वीडियो के अंदर, मैं बताऊंगा भाई गाड़ी के अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, क्यों भाई मैंने सोनेट ली। तो बने रहो भाई, एक एक चीज़ प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी कि बस मुंह से बात कर रहा हूँ, एक एक चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। और कमेंट्स आपको लोग का आता है, बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत रॉ वीडियो बनाते हो, एकदम रियल वीडियो बनाते हो। तो भाई थैंक यू उसके लिए, ऐसे सपोर्ट बनाए रखो। और चलो वीडियो में बने रहो, देखता हूँ भाई कि गाड़ी के अंदर दिखाता भी हूँ आपको कि क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या बुराइयाँ हैं। तो मैंने पहले बता दिया था और क्या क्या अच्छाई है, अगर आप 12 लाख लगा रहे हो तो आपको क्या क्या मिल जाता है गाड़ी के अंदर। तो भाई अगर सबसे पहले जो मिल जाता है तो वो तो इसका लुक ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले फ्रंट से। बने रहो वीडियो के अंदर, आप दिखाऊंगा एक एक फीचर्स गाड़ी के अंदर। फ्रंट भाई इसका सबसे अच्छा लगता है, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ सबसे पहले आपको गाड़ी का। तो सबसे पहला जो फीचर है वो इसके कीज के साथ है, देख लो भाई कुछ इस तरीके की मिलती है। किया सोनेट HTX मॉडल है ये, सबसे पहले बताता हूँ ये HTX IMT के अंदर है और इस तरीके की आती है गाड़ी के अंदर। तो भाई कार को करते हैं लॉक और ये दिया हुआ है होल्ड का बटन बीच में और इसको दबाओ, 3 सेकंड बस दबाना है, देखना इंडिकेटर्स ब्लिंक करेंगे, बस छोड़ दो उसके बाद देखते रहो। उसके बाद भाई गाड़ी हो गई स्टार्ट। तो भाई ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर लगता है मेरे को गाड़ी के अंदर, अगर आपको अपनी गाड़ी को कहीं कोल्ड स्टार्ट करना है तो भाई एक अच्छा है, घर के अंदर ही बैठे रहो और भाई होल्ड वाला बटन प्रेस कर दो आराम से और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और गाड़ी भाई एकदम लॉक रहेगी, अनलॉक नहीं होगी। और अगर आप AC चला के आए हो तो AC चालू हो जाएगा, अगर आप गर्मी के मौसम में भी ये गाड़ी लॉक है। और भाई गर्मी के मौसम में इसलिए काम आएगा क्योंकि अगर गाड़ी आपकी कहीं पार्किंग में पार्क है और आप आ रहे हो गर्म में या फिर धूप में ही पार्क है तो और आप आ रहे हो तो पहले स्टार्ट कर दो, AC चालू हो जाएगा और गाड़ी ठंडी हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छा काम का फीचर है गाड़ी के अंदर दिया हुआ है। और अगर आपको गाड़ी बंद करना है गाड़ी को ऐसे ही एक बार बस यही होल्ड बटन फिर प्रेस कर दो, वो गाड़ी बंद हो जाएगी फिर। तो भाई एक अच्छा खासा फीचर दिया हुआ है किया सोनेट HTX के अंदर। चलो अब दिखाता हूँ भाई सेकंड फीचर्स क्या है, और सेकंड फीचर भी की के अंदर ही है, की लेकर चलते हैं थोड़ा सा दूरी पे और फिर दिखाता हूँ क्या है भाई सेकंड फीचर। और भाई कार अभी अनलॉक है और देखो जैसे मैं लॉक कर दबाता हूँ बटन, ओवरवीएम को देखो भाई इंडिकेटर चलते हैं और ओवरवीएम फोल्ड हो चुका है और मैं जैसे कीज मेरे हाथ में और मैं कीज लेके दूर जाता हूँ, देखो गाड़ी से मैं थोड़ा दूर जाता हूँ, कम से कम अगर 10 मीटर भी दूर चला गया इतना दूर और फिर मैं गाड़ी के पास अगर लेके आता हूँ कीज़ को तो देखो क्या होता है, कीज़ मेरे हाथ में ही है, देखते रहो भाई फिर और भी हमको देखते रहो, देखो ऑटोमेटिक अनफोल्ड हो जाएंगी ये और फिर जैसे मैं अगर कीज़ लेकर फिर दूर जाता हूँ फिर देखते रहो और भी हमको ही देखो कीज़ लेके भी मैं कम से कम 10 मीटर 20 मीटर दूर जाता हूँ, देखो इतना ही दूर आया हूँ और वापस से फोल्ड हो गया दोनों। और किया इसको बोलती है वेलकम फंक्शन। तो चलो पहले सबसे पहले गाड़ी को अनलॉक करता हूँ, प्रेस करता हूँ अनलॉक और दोनों ओवरवीएम अनफोल्ड, फिर अंदर चलता हूँ दिखाता हूँ अगला फीचर्स क्या है भाई गाड़ी के अंदर। तो भाई आ गए हैं गाड़ी के अंदर और दिखाता हूँ आपको सेकंड फीचर्स, भाई USP है भाई वो फीचर गाड़ी का, गाड़ी के अंदर आता है सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ। तो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता है तो इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी आता है, ये भी एक फीचर ही है। तो एक बार क्लच दबा के ब्रेक दबा के, इसके अंदर तो क्लच आता ही नहीं है, ब्रेक दबा के एक बार बस प्रेस करना है और देखो इधर दिया हुआ ये उसका बटन, एक बार प्रेस करके छोड़ देना बस, सनरूफ ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, इतना ही ओपन हुआ अभी तो लगभग एक इतना ही लंबा ओपन हुआ अभी, एक बार और अब हुआ है भाई पूरा ओपन आराम से, भाई एक बंदा तो भाई आराम से निकल सकता है इसके अंदर, हवा भी काफ़ी ज़्यादा तेज चल रही है तो अंदर हो जाता हूँ देख लो भाई। और बस एक बार इसको बस दबाना होगा, बंद करना है तो बस एक बार कर दूंगा तो पूरा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और उजाला भाई अंदर आता ही रहता है, अगर आपको चलने में खोल के चलना है सुनू तो उससे भी चल सकते हो। और जो इसका सेट है इसको मैनुअली ही बंद करना पड़ेगा। तो भाई एक भी एक USP है भाई गाड़ी के अंदर दिया हुआ है सनरूफ, और भाई सनरूफ का मजा अगर सेट खोल दो और बारिश हो रहा हो तो उसका अलग ही मजा है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको तीसरा फीचर्स, गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ तीसरा फीचर दिखाता हूँ एक सेकेंड, तीसरा फीचर भाई गाड़ी को चला के ही दिखाना पड़ेगा अभी। देखो भाई डोर्स का ये नॉब जो लॉक अनलॉक होता है ये खुला हुआ है, अनलॉक है, फर्स्ट गियर लगाया हूँ और 100 डाउन, देखो जैसे ही 20 के लगभग स्पीड पहुंचेगी देखते रहना, तो ये देखो लॉक हो 20 भी नहीं 17 ही पहुंचा लॉक हो गया भाई, ये फीचर नहीं है, फीचर अभी मैं दिखाता हूँ क्या है। गाड़ी में रोक लेता हूँ साइड लगा कर, रोक लिया और जैसे ही मैं पुश स्टार्ट स्टॉप बटन वाले को प्रेस करूंगा बंद करने के लिए गाड़ी अनलॉक, चारों डोर भाई अनलॉक हो जाएगा एक साथ, इधर वाला भी पीछे वाला भी और इधर राइट साइड वाले पीछे वाले। तो ये भी भाई फीचर है, अगर किसी को आराम से उतरना है तो अपना गाड़ी बंद होते ही अपना गाड़ी बंद हुई चारों डोर अनलॉक हो गया अपना निकल लो पीछे। और मैं अगर सिर्फ इसको ही बंद करूंगा
ना, मैं इसको बंद करता हूँ उधर, देखो इधर ये वाला लॉक मैं इधर बंद करता हूँ, तो चारों डोर भाई लॉक हो जाएंगे। मैं सिर्फ ड्राइवर साइड का बंद किया हूँ और दोनों चारों को पैसेंजर साइड पीछे के सारे भी डोर ऑटोमेटिक ही लॉक हो जाएंगे इसके अंदर, ये भी फीचर दिया हुआ है। पीछे से भाई गाड़ी आ गई, मैं हटा लेता हूँ अपनी गाड़ी इधर से एक मिनट। और भाई ये फीचर सिर्फ ऐसे ही नहीं काम करता कि पुश स्टार्ट सब बंद होगा तभी चलेगा, काम करेगा। अब बस अगर लॉक है डोर और मैं अगर ये अपना लीवर ही ओपन खींचता हूँ, लीवर खींचा तो उधर का भी अनलॉक हो जाएगा। दिखाता हूँ फिर से एक बार, लॉक करता हूँ और सिर्फ इधर का लीवर खींचूंगा और चारों डोर अनलॉक, इधर के भी और पीछे के भी। ये भाई ये अच्छा फीचर लगता है मेरे को, अगर आराम से उतरने में भाई बार बार लॉक अनलॉक करना नहीं पड़ेगा, आराम से एक बार गाड़ी बंद हुई अपना निकल लो बाहर निकलना है तो ये भी अच्छा ही फीचर भाई गाड़ी के अंदर दिया हुआ है। अब बात करता हूँ अगले फीचर की, और तो अगला फीचर जो है भाई वो है ये टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील। टेलीस्कोपिक तो नहीं आता इसके अंदर, टिल्ट आता है। देखो स्टेयरिंग व्हील अपने हिसाब से, अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप इसको नीचे करके आराम से चला सकते हो। भाई मेरी हाइट तो भाई 6 फीट से थोड़ी ऊंची है, तो आराम से इसको मैं तो ऊपर ही, मैं तो छेड़ता नहीं, आराम से इसको ऊपर करो और इस लीवर जो दिया हुआ है इसको आराम से ऊपर सेट। इसको तो भाई आज तक मेरे हिसाब से कोई छेड़ा ही नहीं होगा मेरी गाड़ी के अंदर, तो क्योंकि इतना यूजफुल लगता नहीं है भाई ये फीचर। कभी हाइट बाइक को दी इतनी ऊंची है तो इस फीचर को यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ता है, बस दिया है गाड़ी के अंदर तो दिया है। और अगले फीचर की बात करूँ तो भाई वो है, दिखाता हूँ हवा भाई अच्छी खासी तेज चल रही है। अगले फीचर की बात करूँ तो वो है भाई काम का फीचर जो है ये हाइट एडजस्टेबल सीट्स। देखो मेरे सीट के हिसाब से, मेरे सीटिंग के हिसाब से ये सेट है सीट, और फिर भी इसके बाद भी मेरी हाइट 6 फुट इतना ही मेरे हिसाब से काफ़ी है, बट उसके बाद भी और ये ऊपर हो रही है आगे से, देखो इतना ही फुल ऊपर हो चुकी है अभी इस समय सीट। और आपकी हाइट अगर ऊँची है तो आप इसको थोड़ा नीचे कर सकते हो, देखो नीचे जा रही है, पीछे पूरा पीछे जा चली जाएगी एकदम नीचे पूरा करके नीचे। भाई अच्छे से बोनट नहीं दिखता मुझे, तो गाड़ी चलाने का आदत है बोनट देखते हुए, तो मेरे हिसाब से ऊपर करके ही चलाता हूँ। अगर किसी की हाइट छोटी है तो वो आराम से उसको ऊपर करके बैठ सकता है। मैं दिखाता हूँ मेरे हिसाब से मुझे बोनट पूरा विजिबल होता है मेरे आँख के हिसाब से है, देख लो इधर चुंदरी रखी हुई है उधर पूरा बोनट दिखता रहता है मेरे आँख के हिसाब से पूरा। तो भाई ये भी एक USP है, अच्छी बात है ये गाड़ी के अंदर दिया हुआ हाइट एडजस्टेबल सीट्स, जिसकी हाइट छोटी है वो भी बंदे आराम से इसको चला सकते हैं, तो अच्छी बात है भाई ये दिया हुआ गाड़ी के अंदर। तो अब बात करता हूँ नेक्स्ट फीचर की, तो वो है ये टच स्क्रीन दिया हुआ है इसमें, 8.5 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है। ये HTX मॉडल है सेकंड टॉप, इसी के अंदर वो फीचर। तो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ फिर दिखाता हूँ। गाड़ी हो गई स्टार्ट, ये किया लिख के आएगा और फिर स्टार्ट हो जाएगा। ये हर बार ऐसे नहीं करता है, बस कभी कभी पता नहीं क्यों किया लिख के आ जाता है, वरना सीधे स्टार्ट हो जाता है। यार ड्राइव सेफ, ये सेफ्टी का एक देता है इंस्ट्रक्शन, इसको कंफर्म करेंगे तो ये हट जाएगा। ऐसे ऑन हो गया, इसके अंदर आता है भाई जो इसका फीचर है वो है एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो वायरलेसली, तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी वायर कनेक्ट करने की जरूरत है नहीं, बस अपना मोबाइल के अंदर ब्लूटूथ ऑन करो, आईफोन है ब्लूटूथ ऑन करो, अब सीधे ये कनेक्ट कर लेगा, मुश्किल से 5 सेकंड 4 सेकंड लेता है कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी ऑन किया तो ये कनेक्ट हो गया है, तो अपना आराम से अपना मैप मैप क्लिक करो मैप चलने लगेगा, या iOS से कनेक्ट किया हो तो ये मैप चलने लगा। इसी के अंदर आप अपना व्हाट्सएप व्हाट्सएप सब कुछ यूज़ कर सकते हो, जैसे कॉल करना है तो कॉल कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ चल सकता है। व्हाट्सएप है तो वायरलेस सब ये सब काम, जूम ये जो मैसेज के लिए यूज़ होता है, ये सब ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के लिए, सब मीटिंग के लिए यूज़ होता है ये सब। और सेटिंग के अंदर दिया हुआ ये आई थिंक iOS या ये सीरी है वॉलपेपर, ये सब सेट करने के मतलब जो भी वायरलेसली आपको करना है तो ये वायरलेसली बहुत ही अच्छा फीचर। अपना वायर कनेक्ट नहीं यहाँ पे, अपना कुछ भी आप अलग से अपना कनेक्ट कर सकते हो। और एंड्रॉइड को भी ऐसे कनेक्ट करना है अपना मोबाइल के अंदर ब्लूटूथ और वाईफाई ऑन करो, सीधे कनेक्ट हो जाएगा वो भी अंदर, आराम से मैप कॉलिंग और जो भी व्हाट्सएप व्हाट्सएप सब चलाना है वो सब यूज़ आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आता है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर दिया हुआ है इस कार के अंदर, जो कि वायरलेसली एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दे रखा है इसके अंदर। और ये HTX वेरिएंट है तो इसके अंदर आता है 8.5 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले, और अगर ये अगर टॉप मॉडल होती इसके अंदर आता है GTX+, GTX नहीं आता GTX प्लस आता है, अगर वो होती तो इसके अंदर यहाँ पे पूरा ये जितना ये वाइट और पन्नी देख रहे हो ये 10.25 इंच का देता टच स्क्रीन डिस्प्ले। और उसके अंदर भाई भर भर के फीचर दिए हुए, एक एक फीचर जो कि किसी गाड़ी के अंदर फर्स्ट इन सेगमेंट भी है, जैसे कि ये को ड्राइवर और ड्राइवर साइड का जो सीट्स है इसके अंदर वेंटिलेशन दे रखा है, वेंटिलेटेड सीट्स मतलब दे रखी है आगे की दोनों, तो उसके अंदर से भी आराम से AC की हवा आती रहती है, तो मस्त लॉन्ग ड्राइव पे ठंडी मस्त मिलता रहता है पीठ के पीछे भी, तो आराम से वो एक फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर दे रखा है। उसके अंदर आते हैं भाई बोस के सिस्टम, जो ये नॉर्मल सिस्टम दे रखा है स्पीकर का, उसके अंदर आता है बोस के सिस्टम, पूरे चारों सिस्टम जो रखा है स्पीकर दे रखा है वो बोस के रहेंगे। और इसके यहाँ पे जो ये ORVM है, सॉरी IRVM है, इसके अंदर दे रखा है UVO का फीचर, और क्या बोलते हैं SOS, ये सब फीचर भी दे रखा है इमरजेंसी के अंदर जो कि काम आने वाला है। और उसके अंदर आते हैं 57 कनेक्टेड फीचर्स, जैसे कि अपना अपनी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हो, माइलेज सेट कर सकते हो, सॉरी चेक कर सकते हो, और स्पीड लिमिट सेट कर सकते हो। और उसके अंदर एक और भी फीचर दे रखा है जो कि है यहाँ पे वायरलेस चार्जर, इसके अंदर कुछ नहीं तो अपना से आराम से फोन रख सकते हो, बट
उसके अंदर भाई यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी दे रखा है, और इसके उसके अंदर एक और भी फीचर दे रखा है जो कि ये हैंड रेस्ट है। इसके पीछे यहाँ पे वायरस प्रोटेक्शन का एक लगा हुआ सिस्टम, जो कि वायरस प्रोटेक्शन के काम में आता है, तो वो भी भाई फर्स्ट इन सेगमेंट है। तो ये सब सारे फीचर्स टॉप मॉडल के अंदर आपको मिल जाएंगे, जो कि जी टी एक्स प्लस है, जो इससे करीब आई थिंक 2.25 लाख या अरे 2 लाख ऐसे कुछ महंगा आता है। तो भी भाई अच्छी खासी गाड़ी है जी टी एक्स प्लस, अगर आपको टॉप मॉडल का लेना है तो ले सकते हो जरूर। और उसके अंदर आ जाते हैं यहाँ पे मूड लाइटिंग, एम्बिएंट लाइटिंग भी दी रखी भाई टॉप मॉडल के अंदर। चलो अब टॉप मॉडल की बात छोड़ते हैं और बात करते हैं अपने एस टी एक्स मॉडल की। तो इसके अंदर जो अगला फीचर है वो भाई ये है हैंडरेस्ट, ये हैंडरेस्ट है। इसके अंदर कुछ सामान रखने का भी जगह दिया हुआ है अपना, जो भी अपना सामान है छोटा मोटा, जैसे ये मैंने रखा हुआ है, तो रिसिप्ट रिसिप्ट रखी हुई है, ये रख सकते हो। और सबसे अच्छा जो फीचर भाई इसका पोजीशन, बहुत ही अच्छा पोजीशन दे रखा है, अपना हाथ रख सकते हो जैसे चलते हुए लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे हो तो हाथ इसके ऊपर आराम से रख सकते हो, और गियर भी एक्सेसिबल है भाई इसके ऊपर हाथ रखते हुए। तो ये भाई मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये आराम से जैसे चलता हूँ लेकर गाड़ी, तो इसके ऊपर हाथ रख के आराम से रिलैक्स करते हुए चल सकते हो गाड़ी लेकर के, तो ये भी अच्छी फीचर है। और चलता हूँ अगला फीचर दिखाता हूँ, वो है बूट के अंदर। चल दिखाता हूँ सबसे पहले बूट के अंदर क्या फीचर है वो। तो भाई अगला फीचर जो है बूट के अंदर, यहाँ पे दे रखा है एक बटन, इसको प्रेस करना है आराम से बूट ओपन हो जाएगा। मतलब पहले वाली जो गाड़ियाँ आती थी उसके अंदर आता था भाई, यहाँ पे दिखाता हूँ इस जगह पे, जैसे कि ये यहाँ पे दे रखा है ये फ्यूल वाला, तो इसी के बगल में दे रखा था ये कि बूट भी ओपन करो यहाँ से, तो ये अब हटा दिया है। और इसके कीज के अंदर भी फंक्शन दे रखा है कि बूट ओपन कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जब की फंक्शन की, तो उसके अंदर बता दूंगा। तो आराम से ये बटन प्रेस करो, यहाँ पे खुल जाएगा। सबसे बड़ा स्पेस है भाई बूट स्पेस सेगमेंट में। तो जो फीचर की मैं बात कर रहा था वो है ये लगेज लैंप, इसके अंदर भाई लगेज लैंप भी प्रोवाइड किया गया, जो रात के समय इसको भाई बहुत ही अच्छा बना देता है। अगर आपको एक्सेस करना है कोई सामान वामान अपना सूटकेस, तो ये लाइट जलती है रात को पूरा दिखता रहता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और एक अच्छी बात और भी है भाई, ये इसके अंदर दिया रखा है पार्सल ट्रे, आराम से इसके ऊपर अंदर से कुछ भी सामान रखना है तो इसके ऊपर आराम से रख दिए, छोटा मोटा जो भी पैकेट वैकेट है, तो ये ऊपर से अंदर रख बैठे हुए भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये भी भाई एक अच्छी बात है, अंदर दे रखा है पार्सल ट्रे भी भाई। अब एक एक फीचर मैं बताता हूँ आपको, बहुत ही अच्छा फीचर दिया रखा है, जो कि इस गाड़ी को लेने पे लोग मजबूर हो रहे हैं। 12 लाख रुपए अगर किसी का बजट है, 12-13 लाख, तो सोनेट ही क्यों ले रहा है भाई। बाकी वेन्यू एक्सयूवी ये सभी गाड़ियाँ हैं लोग ले रहे हैं, बट सोनेट भाई अलग ही है। और मैंने जो पिछली निगेटिव वाली वीडियो बनाई थी भाई सोनेट की, तो उसके अंदर भाई एक भाई का कमेंट आया था कि जब इतनी कमियां थी तो क्यों सोनेट क्यों ले ली, दूसरी ले लेते। तो भाई कमी तो देखो सब गाड़ी में रहेगी भाई, कोई गाड़ी परफेक्ट तो है नहीं, अब सबने बजट के हिसाब से लेना रहता है। और बजट में भाई मुझे सबसे अच्छी बेस्ट लगी सोनेट, और भाई मुझे सोनेट सबसे बेस्ट क्यों लगी वो देख ही लो, ये वीडियो देखते रहो पता चल जाएगा भाई सोनेट बेस्ट क्यों है। और सबसे अच्छी एक बात और भी है, ये देखो इसका केबिन, एक एक क्वालिटी जो फिट एंड फिनिश है भाई, वो जहाँ पे जैसा मटेरियल यूज होना चाहिए वैसा ही मटेरियल यूज किया गया है इसके अंदर। यहाँ देखो जो सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पे किया गया है, ये पूरा ग्रैब हैंडल के ऊपर सॉफ्ट टच मटेरियल है, यहाँ पे स्टिचिंग की गई लुक बढ़ाने के लिए, ये भी सॉफ्ट टच के अंदर है। यहाँ पे भी जो प्लास्टिक जैसी भाई क्वालिटी यूज की गई है बहुत अच्छी है। और ये भी देखो फिटिंग फिट एंड फिनिश भाई एकदम एक नंबर की टॉप नॉच, एकदम कोई भी क्वालिटी नहीं छोड़ी, मतलब कोई भी कसर नहीं छोड़ा है किया कि ये कमी कर देता हूँ यहाँ पे या कॉस्ट कटिंग कर लेता हूँ। ये सब देखो सॉफ्ट टच के अंदर एकदम लेदर जैसा फील है इसके ऊपर, ये जो प्लास्टिक क्वालिटी एकदम चीप नहीं है, इसके ऊपर भी देखो डिजाइन भी बना हुआ है एकदम बढ़िया, क्वालिटी टच करने में फिट एंड फिनिश बहुत ही अच्छा है। और स्टीयरिंग व्हील एकदम लेदर रैप्ड है एकदम पूरी फुल स्टिचिंग के साथ। और ये जो देखो ये जो हैंड ब्रेक, इसके ऊपर भी जो मटेरियल यूज किया गया वो भी बहुत अच्छा है। गियर लीवर का क्वालिटी देख लो भाई, एकदम पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर दिया हुआ है। तो ये सब फीचर भाई एक एक चीज ही आपकी गाड़ी को अच्छा बेस्ट बनाता है लेने के लिए। और इसके अंदर जो अगली फीचर मैं जो बात करने वाला हूँ वो है भाई ये क्रूज कंट्रोल, गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है। आपकी गाड़ी अगर 45 के ऊपर चल रही है तो ये बटन प्रेस करके ये डाउन कर दो, बस उसी स्पीड में मेंटेन करने लगी गाड़ी क्रूज करेगी। मान लो अगर आप 50 पे चल रहे हो और इसको प्रेस कर दिया और इसको डाउन कर दिया बस, तो 50 पे ही मेंटेन करेगी आपकी स्पीड, ना अप होगी ना डाउन। अब जैसे ही फिर ब्रेक के ऊपर पैर रखोगे तुरंत नॉर्मल जैसे न्यूट्रल चलने लगी गाड़ी, जैसे अपना गियर काम कर रहा है, मतलब सब कुछ काम कर रहा है, बट अब तुरंत ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक लगेगा, एक्सीलेटर लगाओगे दबाओगे तो एक्सीलेटर भी बढ़ेगा। तो ये भी फीचर भाई एक अच्छा दिया रखा है, क्रूज कंट्रोल हाईवे के लिए सबसे बेस्ट फीचर है, तो ये भी गाड़ी के अंदर होना ही चाहिए। तो चलो भाई अगले फीचर की बात करता हूँ जो इस गाड़ी को और अच्छा बना देता है, वो है इसका लुक्स। आपको गाड़ी का लुक दिखाता हूँ सबसे पहले, वही तो भाई इसकी मेन यूएसपी भी है। आपको इसके बगल में बेशक कोई भी नेक्सॉन खड़ी कर दो, वेन्यू खड़ी कर दो, कोई भी गाड़ी खड़ी कर दो, लेकिन सबसे अच्छा भाई इसका लुक एकदम देखो फ्रंट से देखो ग्रिल सबसे शानदार इसका लुक मुझे तो लगता है भाई। आप बताओ कमेंट्स में कि आपको कैसा लगता है इसका लुक। साइड लुक बेशक थोड़ा सा और भी अच्छा हो सकता था, बट फिर भी बहुत ही अच्छा बनाया गया, किया वेल डन, बढ़िया लगता है भाई। इसके बगल में कोई भी गाड़ी खड़ी कर दोगे तो बट उसको ये माथ ही दे देगी, कोई कमी नहीं इसके लुक के अंदर। चाहे पीछे का डिज़ाइन देख लो, सब कुछ एक नंबर का बनाया है, रूफ रेल सनरूफ रूफ रेल दे रखा है, साथ में एंटीना दे रखा है, और ये पूरी एलईडी के अंदर दे रखी है भाई। ये एस टी एक्स मॉडल है, इसके अंदर ये पूरा एलईडी है, पूरा ये सब पूरी लाइटिंग ही एलईडी के अंदर दे रखी है। तो ये भी भाई गाड़ी को एकदम एक नंबर बनाता है। और जो गाड़ी के लुक को और इन्हेंस कर रहा है वो है भाई, दिखाता हूँ सबसे फ्रंट में अंदर ही दे रखा है ये इसकी हेडलाइट,
फुल एलईडी के अंदर व्हाइट लाइट के थ्रू के साथ आती है। देखो फुल एलईडी है, इसका लुक ही बहुत अच्छा दिखता है। और ये इसके ऊपर दे रखा है टर्निंग इंडिकेटर, ये इस तरह से डाउन होकर फिर इधर जाते हैं, तो ये अलग ही लुक देते हैं। सबसे बेस्ट थ्रो है भाई इसका, लो बीम के लिए दो रखा है, दो हाई बीम के लिए दे रखा है। और इसके नीचे भाई ये है ये फॉग लैम्प, जो कि अभी प्रोजेक्टर के अंदर दे रखा है। ये पीली थ्रो के साथ है, ये भी वाइट होता तो और भी मजा आ जाता, बट ये वाइट इसका भाई अलग ही लुक देता है, इसके लुक और बढ़ा देता है। तो ये और बाकी गाड़ियों में अंदर भाई हैलोजन सेटअप दे देते हैं, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है कुछ भी। एसटीएक्स मॉडल है, शानदार भाई, एकदम एक नंबर। अगर आपके पास 12 लाख का बजट है तो मैं तो रिकमेंड करूंगा भाई कि ले लो, आंख बंद करके ले लो, बहुत ही अच्छी गाड़ी है। लुक्स के ऊपर भाई तो सबका अपना अपना डिपेंड करता है किसको क्या पसंद है, और लेकिन मैं फीचर के हिसाब से बता रहा हूँ भाई, सबसे बेस्ट है सोनेट। और चलो भाई मैं दिखाता हूँ रियर भाई, सबसे अच्छे भाई मैं बताऊंगा। लोग बिना बैठे बिना देखे भाई वीडियो बना दे रहे हैं भाई यूट्यूब के ऊपर कि भाई ऐसा स्पेस है वैसा स्पेस है, और कुछ भाई को कमेंट आ रहा था भाई रियर स्पेस भी बताओ, तो मैं दिखाता हूँ रियर स्पेस। देखो सीट मेरे हिसाब से 6 फुट का हाइट है मेरी, मेरे हिसाब से एकदम सेट है। अब देखो इतना स्पेस फिर भी बचा हुआ है, अब मैं इसमें पैर फैलाऊंगा चाहूंगा तो भी आराम से पैर फैला भी लिया, बैठा हुआ हूँ कोई दिक्कत नहीं है। और इतना स्पेस फिर भी बचा हुआ, एक बंदा इधर आराम से बैठेगा, उसके बीच में भी एक बंदा आराम से बैठ सकता है, 3 बंदे तो भाई एकदम बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं, 4th बंदा हाँ दिक्कत होगी थोड़ी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई बेस्ट इन सेगमेंट स्पेस है, बट एकदम ठीक ठाक स्पेस, मतलब अच्छा स्पेस जिसको बोलते हैं वो है। तो भाई फिर भी लोग वीडियो बना दे रहे हैं भाई कि किया सोनेट का स्पेस रियर स्पेस ऐसा है वैसा है, तो बिल्कुल मत सुनो, आराम से जाओ शोरूम, बैठो गाड़ी के अंदर और देखो, फिर आपको पता चलेगा कि किया सोनेट का लेग रूम कैसा है। और हाई हेडरूम भाई एक नंबर हेडरूम, तो भाई मेरे सर के ऊपर भी कम से कम देखो हेडरूम मेरे सर के ऊपर कम से कम भी इतना इतना स्पेस बचा हुआ है, तो हेडरूम में अंदर भी कोई कमी नहीं है, आराम से ले लो सोनेट, चाहे आपकी कितनी भी हाइट हो, 6 फुट की आराम से हाइट होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगले फीचर्स की बात करूँ तो वो भी भाई दे रखा है पीछे एसी वेंट्स, रियर एसी वेंट भी अंदर प्रोवाइड किया गया है गाड़ी के पीछे, जिसका इनका थ्रो भी बहुत अच्छा है। मैं आराम से पीछे बैठा भी हूँ, लंबा गया भी हूँ इस गाड़ी के अंदर पीछे बैठ के, एसी बहुत ही अच्छा इसका काम करता है, चारों जो भी दे रखा है फ्रंट आगे पीछे सब सारे एसी के अंदर बहुत ही पावरफुल एसी दे रखा है गाड़ी के अंदर, और कूलिंग एकदम जबरदस्त है भाई एसी का। और अगला फीचर भी भाई यहीं एसी के नीचे दे रखा है, ये 12 वोल्ट का पावर सॉकेट देने की जगह भाई यूएसबी दे रखा है, ये एकदम प्लस पॉइंट है, थम्स अप भाई किया, यहाँ पे यूएसबी दिया है। अगर आप 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भूल गए, मतलब वो रखना ही नहीं चाहता कोई गाड़ी के अंदर, मैक्सिमम लोग तो आराम से चार्जर ले रखे हो तो इसके अंदर यूएसबी इसके अंदर डालो और प्लग एंड प्ले तुरंत चार्ज करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं बगल में दे रखा है मोबाइल होल्डर भी, आराम से तुम चार्ज लगाओ यहीं रख दो, तो ये भी भाई एकदम प्लस पॉइंट दे रखा है किया सोनेट के अंदर, आराम से अपना लगाओगे चार्ज कोई दिक्कत नहीं है। अगर 12 वोल्ट का पावर सॉकेट नहीं है आपके पास तो भी आराम से यूएसबी तो सबके पास रहता है चार्जर के अंदर, हम लगाओ और मोबाइल चार्ज करो, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है थम्स अप किया के लिए। तो भाई पिछले वीडियो में कुछ भाई कमेंट आ रहा था कि आप बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हो, एकदम रॉ वीडियो एकदम बना रहे हो, रियल वीडियो बना रहे हो, तो भाई थैंक यू उसके लिए। तो भाई इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई लोग बिना देखे मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ, बिना यूज किए हुए बिना बैठे वीडियो बना दे रहे हैं भाई कि ऐसा स्पेस है वैसा स्पेस है, और कुछ भी गाड़ियों की कमी और अच्छाई बताने लग रहे हैं। तो भाई मैं सोचा कि बढ़िया से बता देता हूँ, अगर कोई गाड़ी लेने वाला है तो कंफ्यूज ना हो और आराम से अपना डिसीजन बना सके। और भाई कमियां तो सारी गाड़ियों के अंदर, कोई भी गाड़ी बेस्ट तो है नहीं, बेस्ट इन सेगमेंट बोलते हैं, जो फीचर्स नया रहता है वो बेस्ट इन सेगमेंट बोलते हैं, बट कोई गाड़ी बेस्ट तो है नहीं, कुछ ना कुछ कमी तो सभी गाड़ियों के अंदर रहती है। तो भाई जो अच्छाई थी मैंने इस वीडियो में बता रहा हूँ वो देख लो, और जो नेगेटिव वाली वीडियो थी इसमें मैंने उसको पहले डाल दी कि जो कमियां हैं वो पहले बता देता हूँ, जो गाड़ी लेने वाला है या देख रहा है वीडियो उसको पहले पता चल जाए कि कमी क्या है, और जो अच्छा वीडियो है वो देख लो इसके अंदर। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल के ऊपर, तो अपना प्यार बनाए रखो, ऐसे सब्सक्राइब करते रहो। चलो बात करता हूँ इसके अगले फीचर की, वो भी बहुत ही अच्छा फीचर है, दिखाता हूँ उसको फिर, वो कीज के साथ ही है, दिखा रहा हूँ की ले लेता हूँ, सबसे पहले की निकाल लेता हूँ। और ये यहाँ ड्राइवर साइड दे रखा है रिक्वेस्ट सेंसर, इसको बस प्रेस, ये रिक्वेस्ट सेंसर इसको बस प्रेस कर दिया, गाड़ी लॉक हो गई और पावर बैंक फोल्ड हो गया, थोड़े दूर जाता हूँ, कीज मेरे अपने पॉकेट के अंदर रख लिए यहाँ पे, और थोड़ी दूर आ जाता हूँ गाड़ी से, थोड़ा दूर हो जाता हूँ, कम से कम 10-20 मीटर दूर हो जाऊँगा इसके रेंज के अंदर, इसका थोड़ा रेंज बना हुआ है, इतना रेंज दूर आ गया। और देखो मैं गाड़ी के नज़दीक चलता हूँ अब लेके, कीज मेरे जेब के अंदर ही हैं, देखो और भी अनफोल्ड, और गाड़ी को आपको की लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से प्रेस भी करने की, जैसे ये है कि इसके अंदर ये अनलॉक प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आराम से जेब के अंदर ही रखो, बस ये बटन दबाओ अनलॉक होगी गाड़ी। तो ये भी एक अच्छा फीचर है, आराम से गाड़ी के अंदर आपको कीज बार बार जेब के अंदर रखे हुए हो तो निकालने की जरूरत नहीं, और जेब से बाहर भी निकालने की जरूरत है, आराम से जेब के अंदर ही की रहेंगी। और ये उस बटन स्टार्ट करोगे, बस एक बार दबाओ, उसके पहले सबसे पहले गाड़ी आपकी न्यूट्रल में रहनी चाहिए, ये इसके अंदर है, और एक बार बस प्रेस करो स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। तो ये भी एक अच्छा फीचर है, थम्स अप इसके लिए भी। और भाई जो अगली बात है जो गाड़ी को एकदम बेस्ट बनाती है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, चलो देखते हैं फिर क्या है वो। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है,
आपको इसका आइडिया कैसे लगे मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको एक ईंट ले लिया हूँ मैं सबसे पहले, और देखो सीधा रखता हूँ ईंट को इस तरीके से, तो खड़ा हो नहीं रहा इस तरीके से देखो। उसके बाद भी इतना जगह, करीब दो उंगली भर का जगह भी बचा हुआ है, तो देख लो भाई इतना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। आप अपनी गाड़ी का भी ट्राई करके देखना कितना ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है, जितना ही पीछे है उतना ही आगे है सेम। तो भाई मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसे ही ट्रक चलाओ, क्योंकि उसके नीचे का पार्ट अगर कोई नीचे रहा तो लड़ सकता है, बट ग्राउंड क्लियरेंस भाई इतना दे रखा है 205 mm, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये भी एक अच्छी बात है गाड़ी के अंदर 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है। मैं वीडियो भले थोड़ी बेसक थोड़ी लंबी बन रही है, बट 12 lakh rupees आप गाड़ी में अगर कोई लगा रहा है तो क्या क्या फीचर्स को मिल रहा है वो मैं दिखा देता हूँ इस गाड़ी के अंदर। और अगला जो फीचर है वो भाई इसके गाड़ी का पिकअप, एक नंबर का पिकअप है भाई। पेट्रोल इंजन आती है इस गाड़ी के अंदर भाई। एक साथ पिकअप अगर आप किसी से ओवरटेक करते हो, किसी भी पास लेना चाह रहे हो, तो तुरंत एक्सीलरेटर करो, तुरंत गाड़ी भागेगी। एक नंबर का पिकअप है गाड़ी के अंदर, पिकअप में कोई भी कमी ही नहीं है। स्पीड भाई तुरंत, अगर मैं इसका स्पीड टेस्ट किया था बट वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया, ट्रैफिक था उस रोड पे। मैं कभी करूंगा इसका स्पीड टेस्ट, बट मैं जैसा चला रहा हूँ शानदार पिकअप भाई। पिकअप के अंदर कोई कमी ही नहीं है गाड़ी के अंदर। और अगर आप हैवी ड्राइवर हो तो भाई आपके लिए बेस्ट गाड़ी है भाई। अगर आप हैवी ड्राइवर हो तो आपको भगाने का मन करता होगा, तो भाई भगाने के लिए बेस्ट है, थम्सअप है भाई भगाने के लिए गाड़ी के अंदर। बहुत ही पावरफुल इंजन दे रखा है और पिकअप एक नंबर का है। अगर भगाना चाहोगे तो भाई भागेगी तुरंत गाड़ी, जैसे चलाना चाहोगे वैसे चलेगी। ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है गाड़ी की, तो अगर आप हैवी ड्राइवर हो तो आपके लिए ये गाड़ी है, ले लो तुरंत। और अगली चीज़ की बात करूँ किया की, तो जो सबसे अच्छी लगती है मुझे भाई इनकी सर्विस। मैं गया था फर्स्ट सर्विस कराने गाड़ी को लेकर के, बहुत ही जल्दी सर्विस हो गई गाड़ी की, मुश्किल से 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर मैं छूट गया था। फर्स्ट सर्विस थी, मानता हूँ बेसक कुछ नहीं होता उसके अंदर, बट फिर भी इनका जो मतलब बातचीत करने का तरीका होता है, ये सब जो बिहेवियर होता है बहुत अच्छा है, इनका स्टाफ एकदम बढ़िया है। और अगर आप गाड़ी जब डिलीवरी लोगे तो भाई उनका जो भी डिलीवरी प्रोसेस होता है बहुत ही अच्छा रहता है। मेरे समय में तो भाई और अच्छा हो गया था, केक कटिंग भी किए थे भाई, इनके सारे स्टाफ आ गए थे, इनके मैनेजर जो भी थे वहाँ पे, वो सभी लोग का बहुत ही अच्छा बिहेवियर था हम लोग के साथ। गाड़ी लेने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत ही अच्छे से डिलीवरी इनका प्रोसेस कराते हैं ये। तो भाई अगर आप किया लेना चाह रहे हो तो भाई बेस्ट गाड़ी है, आराम से ले सकते हो भाई। मुझे तो भाई सबसे अच्छी लगती है। जो निगेटिव था मैंने वो भी बता दिया भाई, और जो पॉजिटिव था वो भी बता दिया। तो आपको अब आपको डिसीजन लेना है कि भाई गाड़ी कौन सी लेनी है। जाओ सारी गाड़ियां देखो, सबके अंदर बैठो, चेक करो, चलाओ, टेस्ट ड्राइव लो आराम से, कोई जो आपको सबसे बेस्ट लगे वो लो। बट मेरा अगर राय मानो तो भाई सोनेट सबसे बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि मैंने जब गाड़ी ले रहा था तो सारी गाड़ियां चेक की थी, जो भी 2-3 थी, वेन्यू चेक किया था और ये एक्सयूवी देखा था, ये सब गाड़ी मैंने देखी थी। नेक्सॉन देखी थी भाई, उसका मुझे डिजाइन ही पसंद नहीं आता है, जो भले उसकी बिल्ड क्वालिटी अपने इंडिया का ब्रांड है भाई अच्छी बात है, बट उसकी भाई अपना अपना पसंद आता है। तो उसकी बिल्ड क्वालिटी भले अच्छी हो बट उसका लुक मुझे इतना पसंद नहीं आया, और इसके अंदर भाई फीचर लुक सब कुछ बढ़िया थे। तो ये मैंने अपना किया ले लिया सोनेट, तो भाई अच्छी गाड़ी है। और इसके अंदर एक फीचर और मैं बता देता हूँ अभी जो मुझे याद आ गया है, ये हेडलाइट लेवलिंग स्विच। आप अगर ये 0 पर रहता है तो आपके एकदम नीचे रहेगा लाइट, और अगर आप इसको 3 दिया है तो अपनी हाई बीम ऊपर हो जाएगी। ये भी इसके अंदर दे रखा है, तो भाई ये भी अच्छी फीचर है, तो ये भी चाहे थम्सअप है इसके लिए भी किया को। और ये सभी जो माइनर माइनस फीचर्स हैं, अपना ओवर रिम अंदर बैठ के अपना ये बाहर का ये सब अपना घुमाना, ऊपर नीचे ये सब कर सकते हो, लेफ्ट राइट दोनों अपना, 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स, ये सब। और ये हेडरेस्ट ये सब एडजस्टेबल है, ये सब बीच में कप होल्डर, ये आर्मरेस्ट रखने के लिए, ये सब सारा फीचर दे रखा है इस गाड़ी के अंदर। तो भाई जो जो मुझे याद आया अभी फिलहाल वो सब तो मैंने बता दिया, बट अगर कोई चीज़ मिसिंग रहती है तो मैं नेक्स्ट इसकी वीडियो बनाऊंगा की फीचर्स की, तो उसके ऊपर डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।